अगर ये चांडाल भाव विधाता नहीं मुझे कहेगी तो मैं इसका अंग यंग तोड़ करके अपाहिज बना दूं। हमें कुछ हो यही तो अपने टीचर में लगा क्या हुआ तो मार वो या नहीं मार वो ये बेटी मेरे बात को मानने से इनकार है उसे जीवित रहने से क्या फायदा सुनो ले जाओ इस चांडालिन को हवेली और चमेली को बोल दो इसके शरीर से ये वस्त्र उतार करके इसे ये एक भांगा फूटा वस्त्र पहना देने के लिए और तू जा जंगल से नोकीले बबूल का काटा काट करके ले आ। की कर वो पछवार घेर वो घेरना नहीं है काटा काट करके ला न खुले और काटे का बिस्तर सजाते काटे का बिस्तर सोने वाला ओ तोरा दर्द सब है मेरे लिए नहीं और चंपा के लिए और तोरा दादी गाली दे रहा है हम गाली दिया तो भगवान मुझे है बा तो भगवान सी होता या जंगल से काटा काट करके ले आ और काटे की बिस्तर लगा अगर वो चांडाली चंपा मुझे भाग विधाता नहीं मानेगी तो मैं उसे काटे के बिस्तर पे सुला करके तड़पा तड़पा करके मार डालूंगा अरे तेरी नारियल ला गई हार बाबूला काटा ला करके मैं तुम्हें दरबार में रखने को कहा महाराज हमर पहले पैरे फिसल गए और तू मेरे शरीर पे रख दिया अरे 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 काटे को नीचे लगा दो ऐसे रख दो कह रहा हूं तू क्या कर रहा है तू मेरे पैर पे रख दिया बता महामंत्री वो चांडाली चंपा को मैं इस काटे के बिस्तर पे सुलाऊंगा तड़पा तड़पा करके मार दूंगा मैं उसे मुझे सिर्फ एक बेटी है चमेली तरपा तरपा मारी है वो जीवे करते थे खींचते हुए मेरे दरबार में ला करके हाजिर करो चल निकल हर जल से पापी हर पापुआ चंपा किसका आज मैं तुमसे अंतिम बार पूछूंगा
क्या पिताजी? मुझे भाग विधाता मान लिया तो ठीक है, नहीं तो पीछे नजर घुमा करके इस कांटे के बिस्तर को देखो। अगर भाग विधाता नहीं मानेगी तू तो मैं तुम्हें इस कांटे के बिस्तर पे सुला करके तरपा तरपा करके मार डालूंगा। किसको? चंपा को, जरूर फट जाएगा। किसको? चंपा को जरूर फट जाएगा। सोच लो चंपा, अपने मन में विचार करो और अपने पिता भाव विधाता को पहचानो। क्या ये कांटे की पेज मेरी भी लगी हुई है? बिल्कुल ठीक है पिताजी, मैं आपको भाग विधाता मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ पिताजी। कैसा शर्त? आप तो भाग विधाता हैं। बोलो वो क्या शर्त है? ओ देखिए एक चीटी मरी हुई है। चीटी? हाँ, उस चीटी को आप जीवित कर दीजिए, आपको भाग विधाता में मानने के लिए तैयार हो जाऊंगे। देखो भैंसवारन के फुफकार। चंपा, बाप रे बाप, की लंतरा। मैं इस मरी हुई चीटी को जिंदा करने वाला भाग विधाता नहीं हूं। तब तो खैबू चौधरी छियो। मैं तो भाग विधाता हूं, अपने धन दौलत के गुरूर से, अपने ताकत के गुरूर से। कौर बिल्कुल मर जाएगी, अभी मर जाएगी। किसका? इतना मारूंगा मैं तुम्हें, चंपा को कह रहा है या तुम मुझे कह रहा है रे? हाथ मेरे इधर क्यों बताता है चंपा? हाँ पिताजी। किस तरह से मैं तुम्हें पाला था, इसी तरह से तुम्हारी मां मेरे रास्ते में बाधक बन गया था। इस संसार में लोग मुझे भाग विधाता मानते थे, तुम्हारी मां मुझे भाग विधाता मानने से इनकार थी। उस समय तू और चमेली सिर्फ इतनी सी थी। मैं अपने हाथों से गला घोट करके उसे मार दिया। और राज ने सूचित कर दिया कि तुम्हारी मां इस संसार से गुजर गई। उसी तरह से तू मेरे नजर के सामने मेरे रास्ते में कांटा बनने की कोशिश कर रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे भाग विधाता मान लो चंपा। अभी मैं तुम्हारे भाग को बदल दूंगा, भाग बदल दूंगा। हे देखते हो काम देखता है कोई तही होती के पिस्तर पे सुलाता हूँ। चल अरे चंडाली, चल उधर कहा जाएगी, इधर कहा जाएगी, इधर चल। अरे 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 चल मर जा। अरे वही पुलिस पुलिस आज भाई बोले थाना
कहा सा दोगला बाबू को बोले भा? अरे दोगला बाबू नहीं, दरोगा बाबू। ओ दरोगा बाबू सुनो, पकड़वा दो। यहाँ का पुलिस मैं हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं होगा। महाराज के मर्जी, इस चंद्रदिन को मर जाने दो। और खबरदार, अगर कोई इसका सहायता करने की साहस किया तो सब अपना अपना तक बैठ ले, कोई साहस नहीं करेगा। उसके सभी परिवार को कारागार में झोंक दिया जाएगा। चलो चलो, जरा चल करके मदिरा पीते हैं। मदिरा बेटी के कट ऑफ सुता है दिलाए रे। तू मुझे गाली दे रहा था, मैं तुमसे फिर मिलता हूं। आके मैया तोरोगे जन्म आगे दे। और कोई ये गांव में, आई गांव में मूत मुखिया नहीं छ। कौन मुखिया कहे? ओ यूप मुखिया सार मुहे खराब छ, हर मरा के मुँह कह दी बड़ सोझ पड़े कहे में। अच्छा यूप मुखिया नहीं बड़का बाबू, तनटा पंचायती करो ना, पांच गांव के समाज मिल के एक पंचौती करबे। हाँ छोड़ नहीं बुढ़वा के चंपा। हे जान नारी के, बचत ही बहिनिया ताते तक कौन सा गलती काम किया हूं। तोरा बाप जो हमरो बाप रहथियो, वही छिंडा खाली गाल है मुंह है बोल है मारती कथिए बोल है केना बोल है तोरा दादी के। मंत्री भैया, हां हमर बाप नहीं छियो की करबी। कुछ भी हो जाए मैं इस राज में मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, लेकिन मैं पिताजी को भागवत कदापि नहीं मानूंगी। हाँ बहन, तुम तो इंद्र भगवान की महान सती चंपा हो और हमेशा सत्य के मार्ग पर चली हो बहन। छुप छुप कर इंद्र भगवान की पूजा करती रहो, ईश्वर तुम्हारी अवश्य भलाई सुनेंगे। जाय सी हम पूर्वा देखते आते कहां छे बहन। ठीक है भगवान, अगर मैं ये राज छोड़कर चली जाऊंगी इसमें पिताजी का जीत हो जाएगा। मैं ये राज छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं पिताजी के हाथों से मर जाऊंगी, लेकिन मैं पिताजी को भाग दादा कभी नहीं कहूंगी।
हे याजुद्दीन के पालो के मैया के तक तो वो जान डालिन काटे की बिस्तर पे मर गई होगी। तो मरी करी सरी गलो हो था। बुरवा भैंसवा रंग के कर दो। चलो तो चल करके देखते हैं जरा चंपा को। हेलो ये क्या? ना तो चंपा है ना तो कांटे की सेज है, लेकिन महाराज कम चंपो न छोड़ी दिला छो पंपा। पंपा चंपा चंपा न छोड़ी दिल खाऊ पंपा। गधा बढ़िया नहीं किया, मर गई वो चंडालिन लगता है। अच्छा हुआ भटका था। अच्छा हुआ तो अब मुझे सिर्फ एक बेटी है, बेटी चमेली। हे चिन्हिया में कौन बोलता है रे? महाराज ये आवाज कहां से आ रहा है? चंपा के यत्मा बोले छो आत्मा पुरवा जैते लिया बाहु पीता जी। ये भूत है मंत्री भैया। अचानक आवे गेलो भूत हो। चंपा पानी पिला दी। पानी हरो किधर गया? देख लिया चंपा हनोर जल के लिए तरफ तरफ के मर जाएगी। तू सुनो इसको बजर अंग्रेजी जो पढ़ाता है इसको ले जाइए इस जगह से। मान लो जो कहूं सो करो, पर ना इसका मजाल चखा दूंगा। करी जाल कहूंगा महामंत्री से, नाम दुनिया से तेरी मिटा दूंगा।
बच्चा चंडालू तो जानती नहीं तू, लगता है अभी तू सो करके जगी है। हे महामंत्री, ए महाराज एक बार मौका दो, संभलने का मौका देना। कैसा मौका? सुनाओ जी, जी ये चंडालिन सो करके जगी है। जा जी, जी बेटा, ए पंगा नहीं लेना, मुंह हर मरा जाए। तू जा हवेली से, इसी वक्त चमेली को बुला, बिचारी चमेली, और चमेली आकर के इस जान डालिन को समझाई। बुद्धि देखो घास भूसा रंग के ग्रो ग्रो मेरा न तोरो, देखो अपन तो भगवान छिए। मरवे मरवे जाइबे कौ, सचमुच में मर जाएगी ये चंडाली। फुल्लका गाल फूटी जी तू, किसका एक रो बुला चमेली को, मैं एक मिनट में आऊंगा। हेलो जी, हेलो चंपा, मंत्री हुई है उमर के बरकाबू, वह दो चार घंटा छोटो बड़ो छो हम दोनों। कहियो कहियो मन है चंपा दीदी, हमरो गोरा लागल, हमरो मन है गोरा लागल, बहन भाइन छी की हो आ देखो केहन बहन छा बाप, बाप छे हो कसाई छे हर मराय दिल के बरगद। देखो तो वाजिब बात कहे में हम कहिए, हमर बाप रहती है बहन छा, एक फटाए फटाए तीन गोली मारती है, बहन छा छोड़ती है। हे चलो इधर इधर आओ, हराम झर कहीं का मेरा शिकायत मुझे गाली दे रहा था। तोरा गाली दी हम तो भगवान छियो, मेरे सामने हथियार और गोली क्या है? जी जी महाराज, तू जरा देख ही ले से बुरमा साफ छो, संबत कहीं का मर गया मुझे मारने वाला। जी अपने शिकायत नहीं कर रही, मैं बोल रहा हूं जो कि मैं आज के बाद अगर दरबार में शिकायत किया तो जीवित नहीं रहो। हम अपन बाप का शिकायत कर रही हूं, इसलिए कि मैं वो भाग विधाता हूं। तब हमार बाप फोन कर लगा, 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे के बारे में जान, समझ गया या समझाना पड़ेगा? महाराज हम समझ गया। बुलाया जाए चमेली को दरबार में। हेलो चंपा भैया, आखिर क्या करोगी? अगर यहाँ इस राज को छोड़कर कहीं दूसरी राज जाती हो तो ये भी प्रतिष्ठा तुम्हारी, क्योंकि तुम सती हो। जो भी कष्ट तुम्हारे पिताजी देंगे धीरे धीरे तुम्हें सहना होगा। की करते बरका वो? हाँ मंत्री, समझ भैया कोई नहीं बुढ़वा। मैं रोज प्रतिदिन इंद्र भगवान की पूजा करते आ रही हूँ, ठीक आज है? मैं अपने पिताजी कैसे भाग विदता मान जाऊं, कभी नहीं मानूंगी मैं। अब लुरगरी को बोलवे हमारा लागे विधायक में जित लुरगरी के। हाँ कौन? हम मंत्री दलेर सिंह। मंत्री भैया, हाँ क्या बात है? यान तोरो वोट हो तो एक ना इलेक्शन में खड़ा होला है चमेली। प्रणाम मंत्री भैया। खुश रहो खुश रहो। क्या बात है?
देखो तुम्हारी बहन बड़ी दीदी चंपा को हाँ? तुम्हारे पिताजी ने बहुत पिटाई किए हैं। क्या पूछो न, क्या क्या कह रहे हैं पूछो, समझाओ अपनी बहन को। पिताजी भाग विधाता मानने से इनकार है। अरे बहन, हाँ बहन, जब पिताजी कहते हैं कि भाग विधाता मुझे मान लो, तो पिताजी को भाग विधाता क्यों नहीं मान लेते? कैसे मान जाऊं? तुम नहीं जानती हो, अभी तुम नादान हो, छोटी हो। पिताजी तो सिर्फ जन्मदाता है, भाग विधाता तो ऊपर वाले सबका भगवान होती है। कैसे मैं पिताजी को भाग विधाता मान जाऊं? हेलो, हे कबहुना माना भाई बहिनिया, चमेली। हाँ पिताजी। क्या तू जले हुए पे नमक छिड़क रहा है? काट डालूंगा, कोई खबर नहीं होगा किसी को। चमेली। हाँ पिताजी। क्या हुआ पिताजी? चंपा बहन आपको भाग विधाता मानने के लिए तैयार नहीं है पिताजी। चमेली। क्या नहीं मानना चाहिए? चमेली। हाँ पिताजी। जो लात का देवता होता है वो बात से नहीं मानता। तू जा, महामंत्री बहुत फल ला करके रख दिया है, तू जा हवेली में जा, खाओ पियो ऐशो आराम करो, कोई चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। देख लिया, बेटी हो तो चमेली जैसी। ठीक है पिताजी। ये जान डाली चंपा, क्या जा तू चमेली, जा चली जा। एक जो तो कच्चे बादाम खाली खाइया जो मोटे जो रात चले थोड़े। चलो इधर, चलो इधर। हाँ चंपा। हाँ पिताजी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मुझे, सिर्फ एक बार अपने मुखारविंद से भाग विधाता मान लो, मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें तरपा तरपा करके मार डालूंगा। चंपा समझने की कोशिश करो। चाहे जाना होती